नमस्कार, एनए न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। जहां सरकार कहती है कि आर्मी में शहीद लोगों के लिए उनके लिए सम्मान समारोह रखा जाता है, इतनी सम्मान राशि रखी जाती है, तो इसी के साथ आज हमारे साथ हैं दरोला गांव के कुछ लोग जिनके यहां ऑन ड्यूटी किसी की मौत हुई है, और उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकार के लिए कहना चाहते हैं, आखिर सरकार उनके परिवारजनों से मिली है या क्या कोई सम्मान राशि उनके लिए घोषित की गई है, आइए सुनते हैं। मैं दोराला गांव से संत कुमार, दोराला दिल्ली से। हमारे गांव दोराला में भाई शिव कुमार जो हमारे आर्मी से थे, जो वो बीमारी के कारण नहीं, वो शहीद हो गए थे ऑन ड्यूटी पे। और सरकार कह रही है ना, सरकार का कोई मुआयदा आया ना, किसी ने वहां कुछ देखा के, और बहुत ही बुरी हालत में बारिश के होने के बाद और इतना पानी भरा हुआ था, जब हम वहाँ उनको ले गए तो वहाँ पे रास्ता भी नहीं था। बहुत बुरी हालत में उनको हमने वहाँ डीजल डाल के बड़ी मुश्किल से वहाँ पे उनको अंत्येष्टि माने मतलब वो दिया, तो बहुत बुरी हालत थी। और दोराला गांव में देखोगे आप जाके तो आप देखो बिल्कुल चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बड़ी बुरी हालत है दोराला गांव। हमारा भाई जो शिव कुमार जो शहीद हुआ है उसके बारे में कुछ सरकार सोचे, कुछ कहे। और 30 तारीख को शिव मंदिर पर हमारे वहाँ पंचायत है, उसमें पूरे 720 गांव की जो पंचायत महापंचायत है उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा है। एक्स सोलदार दीवान सिंह, आर्मी से रिटायर हूँ और दोराड़ा गांव का निवासी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हमारे सोलदार शिव कुमार सिंह शहीद हुए 24 ग्रेनेडियर्स से, और जब उनका पार्थिव शरीर दोराड़ा गांव में पहुंचा तो उस टाइम दिल्ली सरकार कहाँ सो रही थी ये नहीं पता। एक सैनिक के पार्थिव शरीर को इतनी नज़र बेअंदाजी करना क्या एक मुख्यमंत्री एक MLA का कर्तव्य है क्या? वैसे बनने से पहले सभी हुंकार भरते हैं कि जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सेवा करेंगे, रात दिन खड़े रहेंगे, मगर एक अहम दस्ता इंडियन आर्मी से और एक सोलदार शिव कुमार सिंह शहीद होते हैं ना, तो मुख्यमंत्री की तरफ से ना MLA की तरफ से कोई देख रेख नहीं, आज तक उसके परिवार को संवेदनाशील तक करने नहीं गया है। तो हम ये चाहते हैं भाई, ऐसा लोकतंत्र के अंदर ऐसे CM ऐसे MLA किस काम के हैं? यह तो अपना कर्तव्य सीखना चाहिए, जनता की सेवा करनी है तो उसके हक में जाना चाहिए। जब वो जानते नहीं है तो टिकट लेके क्यों घूमते हैं? करने जा रहे हैं हमारे जितने भी 360 की पंचायत दोड़ा गांव शिव मंदिर में 71 है, 30 तारीख को वहां निर्णय लेंगे कि हमने सरकार के साथ किस प्रकार निमटना है। मेरा नाम महावीर सिंह है, गांव दोड़ा से। जो भतीजा था मेरा शहीद सोलदार शिव कुमार सिंह, और उसको कोई सम्मान नहीं मिला दिल्ली की सरकार से। हमारा MLA गुलाब सिंह केजरीवाल बड़े बड़े दावे करता है, मैं 1 करोड़ देता हूँ, मैं 2 करोड़ देता हूँ, उसका कोई सम्मान नहीं किया। इस लड़ाई के दौरान हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आगे 30 तारीख को 720 गांवों की महापंचायत है और वो फैसला पंचायत लेगी आगे कार्रवाई क्या करनी है। हम कुछ फैसला नहीं लेंगे, जो हमारे गाँव की 700 गाँव की पंचायत होनी है वो पंचायत फैसला लेगी। दिल्ली सरकार से कैसे लड़ना, हमने कैसे उसका हक दिलाए, कैसे उसको सम्मान दिलाएं। जो शहीद का सम्मान होता है वो आज तक कुछ नहीं मिला उसको, 1 महीना और आज 7 दिन हो गए। उसको कोई केजरीवाल गुलाब सिंह कोई भी सरकार से कोई भी उससे घर नहीं पहुंचा अब तक। ठीक है जी, सवलदार राजकुमार, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? मैं दोराला गांव से हूं, मेरे भाई हवलदार शिव कुमार का 22 सितंबर में देहांत हुआ RR हॉस्पिटल धोलाकुआ में, और उनका जब उनके पार्थिव शरीर को गांव में ले जाया गया तो पूरे गांव की आंखों में आंसू था। एक हमारा ऐसा गांव है दोराला जो पूरे दिल्ली में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, पूरे इंडिया में आप देखेंगे गांव की जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला गांव है। मैं भी आर्मी में रहा हूँ, एक सैनिक ये चाहता है कि मेरे रहते हुए या मैं अगर कहीं लड़ाई में या फिर कैसे मैं शहीद हो जाता हूँ तो मेरे घर वालों को उसके लिए इज्जत मिले, लेकिन उसके पार्थिव शरीर को उसके घर वालों को कोई आज तक इज्जत नहीं मिली, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा आज तक घर पहुंचा है, ना उसने कोई संतावना दी है घर वालों को, ना ही कोई
ऐसा कोई डिक्लेयर किया है कि हम ये यहाँ पे उसका मूर्ति लगा देंगे, इस मार्ग को उसका नाम दे देंगे। सम्मान एक सैनिक का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, और उस सम्मान को दिलाने के लिए 30 अक्टूबर 2022 को दोराड़ा गांव के मंदिर पर महापंचायत होगी, जिसमें 720 गांव के लोग शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम ये सम्मान मिले और वो दिलाना आसपास के गांव का देहात का फर्ज है, वो इसको निभाएंगे अच्छी तरह। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शहीद शिव कुमार जी के परिजन है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को महापंचायत होने वाली है, और ये भी बताया कि ना तो सीएम उधर पहुंचे हैं या कोई और बड़ी हस्ती उधर नहीं पहुंची है उन्हें सांत्वना देने के लिए, और उनका हौसला मतलब संभालने के लिए कोई भी उधर नहीं पहुंचा है, और आगे की क्या रणनीति है वो महापंचायत में तय होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं शिखा।